कुछ सालों से ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ की आवाम अपना कायदा अपना रहनुमा नहीं चुन रही, बल्कि ईवीएम अब हार जीत का फैसला कर रही है। जनाब सर, मोहतरम सामेईन, हमारे बात फाजिल दोस्तों का यह ख्याल है कि मुल्क के एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचता है। उनको बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में रोजाना छपने वाले अखबार, इस मुल्क में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली कॉपियाँ और पेंसिल्स, इस मुल्क में छपने वाले मैगजीन, इससे मुल्क के एनवायरमेंट को एक दिन में जितना नुकसान पहुँचता है जनाबे वाला, उतना पाँच साल में एक बार बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने से नुकसान पहुँचता है। ये फर्क वाजे है दोनों चार की तरफ। जनाबे वाला, हमारे बाल साजिल दानिश पर दोस्तों ने यह ख्याल किया है, इस बात का इजहार किया डाइस पर आकर के टेक्नोलॉजी का दौर है, ईवीएम से ही इलेक्शन कराना चाहिए। उनकी बेदारी के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट मोबाइल के दौर में कागज के बैलेट पेपर से धांधली करना मुश्किल हो गया था, इसी वजह से हमारे कुछ मखसूस लीडरान ने इस ईवीएम से इलेक्शन कराने को इलेक्शन कमीशन पर लाजिम करार दे दिया। जनाबे वाला ये वही ईवीएम है कि बीएनसी के एक आजाद उम्मीदवार ने हारने के बाद जीरो वोट पाए जाने की वजह से ट्विटर पर इस बात का इजहार किया था, कहा था कि कम से कम हमने खुद को तो वोट डाला था। जनाबे वाले, ये वही ईवीएम है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन के इलेक्शन में इस्तेमाल की गई, और जब पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि आपने इजाजत दी थी, तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और इनकार कर लिया। मालूम होता है जनाबे वाला कि हमारी ईवीएम अब बाजारों में भी बिकने लगी है। ये है लोकतंत्र का हाल, और लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इस मुल्क की सबसे पुरएतमाद बॉडी सुप्रीम कोर्ट आवाम की अदालत में आ चुकी है जनाबे वाला, ये तारीख का सबसे बड़ा आलमिया है जनाबे वाला। जनाबे वाला, जब हम ईवीएम और बैलेट पेपर पर का तारीखी मुताला करते हैं, तो जब हम नजर करते हैं बैलेट पेपर पर, तो वहां महज उसके तहफ्फुज़ पर सवाल है, और जब नजर करते हैं ईवीएम पर, तो यहाँ नफ्से मशीन पर ही सवाल है जनाबे वाला। यानी इसके हैकर का पता ही नहीं चलता था जनाबे वाला कि इससे इस मशीन को किसने हैक किया है। मेरा आवामी सतह पर मुतालबा यह है कि आवाम के एतमाद को बहाल करने के लिए जनाबे वाला बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाना लाजिम है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है ईवीएम से इलेक्शन कराने का कि हमारे लीडरान ने ईवीएम पे भरोसा करते हुए आवाम के हक में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन हो गया जनाबे वाला कि हमारी जीत का फैसला ईवीएम नहीं करती है, आवाम यहाँ की हमारी हार जीत का फैसला नहीं करती है। चुनांचे आप सबों के सामने ये बात ढकी छुपी हुई नहीं है कि इस मुल्क में क्या तूफान बदतमीजी बरपा है जनाबे वाला। सब का सब सारी चीजें इसी ईवीएम के जरिए, माफ कीजिएगा, खुद मुंतखब शुदा लीडरान का तूफानी बदतमीजी बरपा किया हुआ है। जनाबे वाला, आवामी सतह पर हमारा मुतालबा यह है कि इस ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया जाए, और आवाम का जो एतमाद टूट रहा है आवामी सतह पर, उसको बरकरार किया जाए जनाबे वाला। और आखिर में हम अपने सपोर्टर्स दोस्तों की बेहसी और कमाकली पर एक शेर का इजहार करते हुए यहाँ से रुख्सत होंगे कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नरम नाजुक बेअसर। शुक्रिया।